हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएससी रिव्यूज। तो फाइनली बॉलीवुड के महास महाराजा अजय देवगन से आने वाली वन ऑफ द बिगेस्ट एक्शन फिल्म मूवी सिंघम अगेन, जो कि आप सभी को पता है कि इस साल दिवाली 2024 पर रिलीज होने वाली है। और मैं इस मूवी का जितना बड़ा स्केल है और जितनी बड़ी ये मूवी है, उतनी ही बड़ी रोहित शेट्टी सर की इस मूवी को लेकर प्लानिंग है। जैसे कि यहाँ पर रोहित शेट्टी सर इस मूवी को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रोहित शेट्टी सर ने इस मूवी को बहुत बड़े स्केल पर शूट किया है। क्योंकि अभी तक कॉप की जितनी भी मूवीज आ चुकी हैं, भाई साहब उन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है वो सिंघम अगेन होने वाली है। और यहां पर सिंघम अगेन मूवी के ऑफिशियल टीजर को लेकर भी भाई साहब अपडेट्स आ रही है कि इस मूवी का जो ऑफिशियल टीजर है वो भी हमें जल्द ही देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, ऑफिशियल टीजर कब आने वाला है, टीजर को लेकर क्या अपडेट्स आ रही है, फुल डिटेल में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले जितने भी अजय देवगन सर के फैंस हैं, वीडियो को लाज़मी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी आने वाली अपडेटेड वीडियोस को देख सकें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर अभी से ही सिंघम अगेन मूवी का जो पब्लिक के अंदर क्रेज है वो एक अनदर लेवल पर देखने को मिला है। क्योंकि रोहित शेट्टी सर ने इस मूवी के ऑफिशियल पोस्टर से भाई साहब इस मूवी का जो प्रमोशन है वो लगभग 50% कर दिया है। और यहाँ पर अभी ही पब्लिक इस मूवी को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। और मैं आप सभी को बता दूं कि इस मूवी के अंदर जो हमें एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलने वाले हैं वो भाई साहब नेवर सीन बिफोर वाले हैं। जैसे कि आज तक हमने इंडियन इंडस्ट्री के अंदर ऐसे एक्शन सीक्वेंस नहीं देखे होंगे जो कि हमें सिंघम अगेन मूवी के अंदर देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि इस मूवी को लेकर भाई साहब रोहित शेट्टी सर ने खुद बोला है कि उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया इस मूवी की डायरेक्शन में, और इस मूवी के अंदर जो एक्शन सीक्वेंस है वो बहुत ही बड़े स्केल पर शूट किएंगे। तो दोस्तों, यहां पर आप कह सकते हैं कि इस मूवी के अंदर रोहित शेट्टी सर ने अपनी पूरी जान लगाई है। और उसके बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई साहब इस मूवी के अंदर बहुत सारे कैमियोज हैं, तो कैमियोज वैसे ही ऐड कर दिए गए। तो भाई साहब रोहित शेट्टी सर ने खुद बोला है कि जो कैमियोज ऐड किए गए इस मूवी के अंदर उनका कोई मकसद है। भाई साहब कैमियोज वैसे ही नहीं ऐड किए गए बल्कि कैमियोज को भी बहुत बड़े लेवल पर दिखाया गया और कैमियोज की जरूरत थी इसीलिए कैमियोज को ऐड किया गया। तो दोस्तों, यहां पर आप कह सकते हैं कि इस मूवी की स्टोरी का जो प्लॉट है वो भी काफी बड़ा होने वाला है। जिसके यानी कि स्केल भी बड़ा है और स्टोरी का प्लॉट भी बड़ा है। तो ये बात तो कंफर्म है कि ये जो मूवी है भाई साहब बॉक्स ऑफिस पर भी तबाही मचाएगी। तो यहां पर अगर बात करें इस मूवी के ऑफिशियल टीजर की, तो भाई साहब आप सभी को पता है कि हाल ही में इस मूवी के एडिटिंग टेबल से कुछ ना कुछ फोटोज लीक आउट हुई है, जिसमें हम सब ने अजय देवगन सर की, अल्लू अर्जुन की कुछ लुक्स देखी है। उसके अलावा टाइगर श्रॉफ की भी कुछ लुक देखने को मिले हैं। यानी कि उसके बाद आप कह सकते हैं कि इस मूवी को सोशल मीडिया पर भाई साहब बहुत ही ज्यादा ट्रेंड किया जा रहा है। यानी कि यहाँ पर जो मेकर है वो भाई साहब बहुत ही अच्छे तरीके से इस मूवी को लेकर चल रहे हैं। क्योंकि जो एडिटिंग टेबल से फोटोज लीक हुई है भाई साहब, उनसे इस मूवी की जो हाइप है वो काफी अच्छी इंक्रीज हुई। और यहाँ पर अगर बात करें ऑफिशियल टीजर की, तो भाई साहब टीजर के ऊपर पूरे तरीके से काम किया जा रहा है। टीजर को बहुत ही प्लानिंग के साथ कट किया जा रहा है। शायद हमें टीजर के अंदर जो कैमिज है वो भी देखने को मिल जाए। जैसे यानी कि मुझे जो मेरे पास जो अपडेट है उनके अकॉर्डिंग टाइगर श्रॉफ का जो कैमियो है वो शायद हमें टीजर के अंदर देखने को मिल सकता है। बाकी जो स्टार कास्ट है उसके बारे में नहीं बता सकता, यानी कि यहाँ पर अक्षय का होगा या फिर रणवीर का होगा ये नहीं पता, लेकिन टाइगर का इस मूवी के ऑफिशियल टीजर में हमें कैमियो देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर बात करें कि टीजर कब तक रिलीज हो सकता है, तो जिस तरीके से मेरे पास अपडेट्स आई हैं उनके अकॉर्डिंग भाई साहब यहाँ पर जो मेकर है वो इस मूवी की जो पुरानी रिलीज डेट थी, जैसे यानी कि 15 अगस्त पर इस मूवी ने रिलीज होना था, लेकिन आप सभी को पता है कि इस मूवी की शूटिंग रहती थी जिसकी वजह से रोहित शेट्टी सर ने इस मूवी को पोस्टपोन किया। तो यहाँ पर अब रोहित शेट्टी सर इस मूवी की जो मूवी का ऑफिशियल टीजर है वो हमें 15 अगस्त पर दिखाना चाहते हैं। जैसे यानी कि 15 अगस्त जब आएगी तो उसी दिन इस मूवी का जो ऑफिशियल टीजर है वो भाई साहब हमें दिखाया जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी रिलीज डेट है। क्योंकि आप सभी को पता है कि 15 अगस्त भी बहुत बड़ा दिन है, तो वहां पर जब इस मूवी का ऑफिशियल टीजर आएगा तो आप कह सकते हैं कि भाई साहब इस मूवी का जो हाइप है वो पब्लिक के अंदर एक अनदर लेवल पर चला जाएगा। जैसे यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि रोहित शेट्टी सर इस मूवी को लेकर बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहे हैं, कोई भी मौका हाथ से गंवाने नहीं वाले रोहित शेट्टी सर। जब भी कोई मौका आता है भाई साहब वहां पर चौका नहीं छक्का मार देते हैं। और यहां पर आप 15 अगस्त पर इस मूवी का ऑफिशियल टीजर रिलीज करेंगे तो भाई साहब ये भी आप कह सकते हैं कि इस मूवी के लिए बहुत बड़ा प्रमोशन होगा। तो दोस्तों, यहां पर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं इस मूवी के ऑफिशियल टीजर के लिए, आप इस वीडियो को देख सकते हैं।